छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अविनाश, फिल्म दे दो अविनाश, वरना इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरे पास फिल्म नहीं है। नहीं है, खत्म कर दो इनको। मुझे माफ कर दो अविनाश। अविनाश रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तुम ये सब क्या है? सुपरवाइज जासूस एक्चुअल सर्विस सर, हमारी हर चीज पास है। ये देखो, हम भागते भी पास है। ये देखो, ये जासूस किस लिए? हम तुम्हारी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे थे अविनाश। मेरी याददाश्त? हाँ, इसलिए आज भी हमने सब कुछ वैसे ही रखा जैसे उस दिन था। उस दिन भी सुमित का जन्मदिन था जब वो गुंडे आए थे। और वाह, वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। उस रोज आया था तो भी जन्मदिन, आज फिर जन्मदिन, मगर आज के बाद ये मरण दिन होगा। मुझे उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरी याददाश्त खो चुकी है। आज के बाद तुम्हें याद करने की जरूरत भी नहीं। याद कर मुझे खुद याद नहीं है। याद करो मुझे खुद याद नहीं है। कर दो इनको। राजन भैया, अविनाश की याददाश्त वापस आ गई। आपके दोस्त को नई जिंदगी मिल गई। दोस्त? कैसा दोस्त? हाँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। लेकिन अभी अविनाश ठीक कह रहा है सपना, ये तो मुझे जानता भी नहीं।
और ना ही मैं इसका दोस्त। समझदार को इशारा काफी। मैंने सोचा था कि इसके पास जो फिल्म है उसे लेकर प्रताप को बेच दूंगा और 20 लाख रुपए लेकर अपनी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से गुजारूंगा। इसीलिए मैंने तुम सबको इस छत के नीचे बुलाया। स्वाइन, गालियां देने के लिए तो उम्र पड़ी। ये बताओ वो फिल्म कहाँ है? उस फिल्म के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वो फिल्म तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुम अपने भाई को बहुत प्यार करते हो ना? जब तक वो फिल्म तुम मुझे नहीं दोगे ये दोनों मेरे पास रहेंगे। ना 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 ना, ऐसी बेवकूफी मत करना। जाओ वो फिल्म लेकर आओ यहीं पर, और मैं 2 घंटे के बाद यहीं पर फोन करूंगा, समझे? ले चलो। सुमित की जान खतरे में है, तुम इन लोगों की फिल्म इन्हें वापस लौटा दो। भगवान न करे सुमित को कुछ हो गया। ओ सपना, मुझे नहीं मालूम फिल्म कहाँ है, I swear। तो फिर क्यों ये लोग कहते हैं कि फिल्म तुम्हारे पास है? अभी याद करो, जरूरी है फिल्म तुम्हारे पास है, याद करो। मैं क्या याद करूँ, कैसे याद करूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं प्रोग्राम दे रहा था। मैं प्रोग्राम दे रहा था और बाबू बाबू वहां आया। हाँ सपना, हाँ। बाबू यस। हाँ सपना, ड्रम, यस ड्रम, I got it सपना, I got it। सदा जी, ये पुराने डिस्को के इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ हैं? पिछले गोडाउन में। हाँ। ये तो फिल्म है। ये तो वीडियो फिल्म है, कैसेट के बगैर। राजन को देने से पहले हमें देख लेना चाहिए इसमें क्या है। चलो मेरे घर चल के देखते हैं। सपना, गाड़ी निकालो। आखिर तुम मिल ही गए, इंस्पेक्टर अविनाश। ओह सर, मैं तो आज सवेरे आपके पास आने वाला था। आई एम सॉरी, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट। तुम पे गवर्नमेंट का 50 लाख रुपए चोरी करके फरार होने का इल्जाम है। सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरी याददाश्त चली गई थी। कल शाम तक मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ। मगर लॉकर का नंबर याद था, रुपया निकालना याद था, अस्पताल में पड़ा हुआ भाई याद था, मर्डर करना याद था। मुझे बहुत अफसोस है अविनाश कि तुम जैसा पुलिस ऑफिसर जिसे देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए भेजा गया था उन्हीं के हाथों बिक जाएगा। सर आप यकीन कीजिए, मैं एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया था जहां से बाहर निकलने का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अभी भी इसी वक्त मेरे भाई के गर्दन पर रिवॉल्वर रखा हुआ है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरे भाई को मार दिया जाएगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन यकीन नहीं आया, क्योंकि तुम अपने भाई को बचाने के बहाने जो फिल्म ले जा रहे हो पुलिस इन्फॉर्मर ने ली थी। ये फिल्म मुझे वापस कर दो। कम ऑन, इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी। मैं इसे वापस नहीं कर सकता सर, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। एक मिनट के लिए भी नहीं, फिल्म लाओ।
फिर लो अविनाश, तुम लोग जानते हो कि मैं खाली हाथ भी मार सकता हूँ। अविनाश, यू विल रिपेंट अविनाश। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर। कम ऑन, रुक जाओ अविनाश। नहीं, फिर भाग गया है राम सदा। ये है ऑपरेशन सर्वनाश। उस दिन शुरू होगा जब इस मुल्क के लिए आजादी का दिन होता है, 15 अगस्त, आज से ठीक 3 महीने के बाद। उस दिन यहां से हमारे 2400 आदमी जाएंगे, हर स्टेट के लिए 100 आदमी, जो इस मुल्क के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डैम्स, ऑयल इंस्टॉलेशंस, बिजली के ट्रांसमिटर टावर्स वगैरह वगैरह सबको एक साथ उड़ाएंगे, एक साथ धमाका करेंगे। उस वक्त जब रेडियो पर नारे बुलंद हो रहे होंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड प्रताप, वेरी गुड। एक ही टाइम में सारा मुल्क खत्म। माय गॉड, अब क्या होगा? वो कैसेट मुझे दे दो अविनाश, और चुपचाप मेरे साथ चलो। तुम घर जाकर राजन के फोन का इंतजार करो, लेकिन उसे मालूम ना होने पाए कि मैं खुद उसके पास पहुंच रहा हूं। आओ अविनाश, आओ। टेप ले आए, लाओ टेप। देखें तो सही, आखिर वो कौन सा ऐसा राज है जिसे छुपाने के लिए प्रताप इतना बेताब था। मेरे भाई और अलका को छोड़ दो राजन, टेप तुम्हें मिल चुका है। ये टेप भी कितना मनहूस है, जो भी इसे छूता है मारा जाता है। सबसे पहले तुम्हारा वो इन्फॉर्मर बाबू भाई, उसके बाद तुम्हारी माँ, फिर वो डॉक्टर आदम भाई, उसके बाद वो लड़की जिसे मैंने जला दिया था, और आज सुमित, अलका और तुम। एक नाम भूल गए हो राजन, टेप इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। भागने की कोशिश मत करना विनाश। सर वो टेप चल रहा है। सर अब मेरी बात सुन। सुनूंगा, लेकिन आईजी के सामने। सर वक्त बहुत कम है, मैं वो फिल्म देख चुका हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। हमारे देश के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की गई है। वेरी गुड, पहले तुम्हारा भाई खतरे में था, अब हमारा देश खतरे में है। वो 50 लाख कहाँ है? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शट अप, नो लॉस टुडे, आई विल लॉस की माय माउथ शट टुडे। नाउ यू लिसन टू मी सर, हमारी सारी फैमिली खत्म हो गई। दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मैं खुद मौत के मुंह से लौट आया हूँ, और आप मुझे रोक रहे हैं? नो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आपकी हथकड़ी भी नहीं, आपकी पुलिस भी नहीं, आप भी नहीं। Do you understand? रुक जाओ। Yes. मेरा नाम अविनाश, स्पेशल ऑफिसर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्लियरेंस नंबर X44263ST।
मेरी जान। अरे यार जान में जाना ही। पहले ये बता कि तू इतने दिन कहाँ गायब रहा मेरी जान। हमें 3 महीने से स्पेशल ऑर्डर्स थे कि तुम किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हो और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो वो तुम्हें दी जाए। लिसन, इस वक्त मुझे एक हेलीकॉप्टर, एक मशीन गन और कुछ हैंड ग्रेनेड्स चाहिए। वॉर शुरू हो रही है क्या? यूं समझ लो कुछ ऐसा है। कम ऑन, लेट्स मूव। जवान, यस सर। हम इनके साथ जाओ, मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी आता हूँ। या कम ऑन।